आज जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा बाहर जो है ना काफी अच्छा मौसम हो रहा है। इट वॉज क्लाउडी, बादल थे और मुझे लगा कि आज बारिश हो सकती है, लेकिन नहीं हुई। ठीक है, बारिश हो सकती है मैंने सोचा। आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो आज थोड़ी सी गर्मी कम होगी, बट बारिश नहीं हुई। एक और बात हुई मेरे साथ, मेरी जो वीडियोज आप देखते होंगे उसमें काफी हिंदी का यूज है, काफी हिंदी है ना उसे, और उसको मैंने जानबूझ के ही हिंदी में समझाती हूँ, क्योंकि जिसको इतनी इंग्लिश आती होगी वो मेरी वीडियो क्यों देखेगा। तो मुझे किसी ने पूछा, छोटा बच्चा है, कि मैम कैन यू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश, आप कितने पूरी इंग्लिश में बोल सकते हो, क्योंकि उसको लगा कि मैम तो देखा कि पूरी हिंदी बोलती है काफी। तो आई जस्ट टोल्ड हिम यस आई कैन स्पीक। अरे वाह, तो आई आस्क्ड हिम कैन यू स्पीक, मैंने उसको पूछा सो तुम बोल सकते हो, नहीं मैं तो अभी छोटा हूँ मुझे भी नहीं आती है। ठीक है, सुबह मैंने सोचा था बारिश हो सकती है, उसने मेरे से पूछा कि तुम बोल सकते हो, फिर आज मुझे वीडियोस बनानी थी, मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया, मैंने कहा आज तो आ सकती है, मैंने कहा कैन यू कम टू सपोर्ट मी, शी सेड यस। तो सकती है, हो सकता है, जब मैंने कहा कि बारिश हो सकती है तो मैंने क्या बताया कि आज संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है बारिश हो, लेकिन नहीं। जब उस बच्चे ने मेरे से पूछा कि आप बोल सकते हो, उसने पूछा कि आर यू एबल टू, मतलब आप में इतनी एबिलिटी है कि आप इंग्लिश पूरे दो घंटे आप इंग्लिश इंग्लिश बोल लो। मैंने कहा यस, द वर्ड्स विच एक्सप्रेस दीज फंक्शंस, जब उसकी किसी चीज की पॉसिबिलिटी बताते हैं, परमिशन लेते हैं, या फिर एबिलिटी बताते हैं, किसी चीज की जरूरत बताते हैं, उनको हम बोलते हैं मॉडल वर्ब्स, मोडल्स या फिर मॉडल वर्ब्स। So, good morning everyone, Shivani Sharma, your English teacher with a new topic of modal verbs. Modals भी कुछ लोग बोलते हैं, but honestly I am not sure that this is modals or this is modals. ठीक है? लेकिन modal जो verbs होती हैं, they are different from the action verbs. जो हमारी action verbs होती हैं, ठीक है? Action verbs हमारी कौन सी हैं? Play है, eat है, sleep है, वर्क है, राइट है, ये सारी क्या होती हैं? दीज आर एक्शन वर्ब्स एंड दे ऑल हैव थ्री फॉर्म्स, किसी में ईडी लगता है, किसी में कुछ होता है, इन सब की होती है थ्री फॉर्म्स होती हैं एक्शन वर्ब्स की। लेकिन जो मॉडल वर्ब्स होती हैं दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ थ्री फॉर्म्स और उनके आगे हम ईडी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मॉडल वर्ब्स का हम यूज कहाँ करते हैं? यहाँ पर किसी चीज की परमिशन मांगनी है, सपोज आप स्टूडेंट हो, आप बहुत सारी जब हम क्लास में एंटर करते हैं तो पूछते हैं मे आई कम इन मैम, राइट, मे आई कम इन सर, मे आई यूज योर पेन। आप किसी रिसेप्शन पर जाते हैं, किसी के मतलब किसी हॉस्पिटल की, किसी भी इंस्टीट्यूट की, किसी ऑफिस की, वहाँ पर रिसेप्शन पर लेकर मे आई हेल्प यू, ठीक है। प्रोहिबिशन, मना, प्रोहिबिट का होता है मना करना, ठीक है। आप जैसे पब्लिक बेसिस पे लिखा होता है ना, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, यू कैन नॉट स्मोक हियर, ठीक है, तो दैट मीन्स आपको मना किया जा रहा है। पॉसिबिलिटी, मैंने सुबह बताया आपको कि मैंने देखा बादल हैं, बारिश हो सकती है, इस चीज की पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी, लेकिन नहीं हुई। इट डिड नॉट रेन मीन्स पास्ट इनडेफिनिट। मेरे से बच्चे ने पूछा कैन यू स्पीक प्रॉपरली फ्लुएंटली इन इंग्लिश, आई सेड यस। तो उसने मेरी एबिलिटी के बारे में पूछा, योग्यता के बारे में पूछा कि आर यू एबल टू स्पीक, आप हमें ऐसा लगता है, राइट, नेसेसिटी, जिस चीज की जरूरत है, यू मस्ट रेफर डिक्शनरी फॉर इम्प्रूविंग योर वोकैबुलरी, दैट मीन्स उस चीज की नेसेसिटी है, जरूरत है कि डिक्शनरी यूज करनी चाहिए। ऑब्लिगेशन होती है एंड एडवाइस होता है। तो ये सारे जो मॉडल वर्ब्स हैं, यहाँ पर हम कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, राइट, मे, माइट, ऑट टू, नीड, मस्ट, ठीक है, ये सारे होते हैं, दीज आर और भी होते हैं, दे आर द मॉडल वर्ब्स। तो आपको यही याद रखना है, मॉडल वर्ब्स की कोई भी थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं होती है, वो ईडी नहीं लेते हैं। एंड बाय द वे, दिस वीडियो इज स्पेशली ऑन द डिमांड ऑफ जितिन, जितिन समझ जाएगा, जिसने ये वीडियो के लिए मुझे कहा था। इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्रेजेंट फॉर्म लगती है। फॉर एग्जाम्पल कैन का यूज, लेकिन जो कुड है वो कैन की पास्ट फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
मेरे से बच्चे ने कल पूछा कि मैम कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑफ मोडल्स फॉर मी, सो आई सेड यस, लेकिन कल मैं नहीं बना पाई, आज मैं उसको बता दूंगी फोन करके, कल मैं नहीं, यस्टरडे आई कुड नॉट मेक एज आई वॉज वेरी बिजी, बहुत ज्यादा कल मैं बिजी थी तो नहीं बना पाई, आई कुड नॉट मेक, ये मैं पास्ट में यूज कर रही हूँ, कुड क्या है मॉडल वर्ब है, मेक क्या है एक्शन वर्ब है, आई कुड नॉट मेक वीडियो ऑन मोडल्स, मे ठीक है, मे आई हेल्प यू जो कॉमन है, और इट मे रेन टूडे, बारिश हो सकती है, संभावना है, माइट जो होता है बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी, जो बहुत कम संभावना होती है, ठीक है, अभी जैसे पूरी धूप निकली ऐसा कुछ नहीं है कि बारिश बारिश कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वेदर फोरकास्ट है कि ऑरेंज अलर्ट भी हुआ था आजकल तो, लेकिन कहीं बारिश तो आई नहीं, इट माइट रेन, हो सकता है बाई चांस अचानक से बारिश हो जाए, तो आपकी रिमोट पॉसिबिलिटी बहुत कम संभावना है जिसकी, दैट इज माइट। ऑट टू होता है जहां पर हम अपनी कुछ मॉरल ड्यूटीज करते हैं, ठीक है, एक तो होता है जैसे वी मस्ट सबमिट अर ड्यूज, या फिर फीस है या कोई चार्जेस है, वी मस्ट सबमिट अर फीस, डिपॉजिट अर फी ऑन टाइम, अदरवाइज इट कैन लीड टू इम्पोजिंग ऑफ फाइन, फाइन लग सकता है, ये मस्ट है, जरूरी है हमारे लिए, करना ही चाहिए टाइम पे। ऑट टू मीन्स यहाँ पर मॉरल ऑब्लिगेशन है आपकी, वी ऑट टू रिस्पेक्ट अदर्स, वी ऑट टू रिस्पेक्ट ह्यूमन बींग्स, वी ऑट टू वर्क हार्ड, ठीक है, ये सारी जो है आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है, यहाँ पर हमें ऐसा नहीं कि ऐसा हम किसी की हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर कोई फाइन लगने वाला है या हमें कोई पनिशमेंट मिलने वाली है, नो दिस इज मॉरल, तो वहां पर हम ऑट टू का यूज करते हैं। नीड, यू नीड टू, जिस चीज की जरूरत है काम करने की, यू आर अगर कहूँ कि तुम बहुत मोटे हो रहे हो, यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू गो टू जिम, यू नीड टू स्टार्ट योर आई मीन वर्किंग फॉर योर हेल्थ, ठीक है, और मस्ट तो है ही, और अगर इन्हीं का हम नेगेटिव करते हैं, जैसे हम किसी जैसे ओके सपोज स्मोकिंग है, राइट, स्मोकिंग इज बैड, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, धूम्रपान जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो हम सिंपल कहते हैं वी शुड नॉट स्मोक, है ना, हमें स्मोक नहीं करना चाहिए, सिंपल है शुड नॉट, लेकिन आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, आप किसी पब्लिक प्लेस में हैं, आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ तो यू मस्ट नॉट स्मोक, क्योंकि आपको नहीं प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके आसपास वाले को किसी को प्रॉब्लम हो, तो वहां पर यू मस्ट नॉट, जरूरी बिल्कुल भी स्मोक नहीं करना है, ठीक, इट इज नॉट अलाउड, इट इज प्रोहिबिटेड, वहां पर मना है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे में से होते हैं, जो इन चीज़ों नहीं मानते, रूल्स रेगुलेशंस को, हमारी ड्यूटीज को, रिस्पॉन्स नहीं मानते, तो उस चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है कि वो कहीं ना कहीं छुप के कर लेंगे, तो इस चीज़ की संभाल, यस दे कैन, दे में हो सकता है, ऐसे कुछ लोग हैं, राइट, तो मैं ये वीडियो बहुत छोटी बना रही हूँ, ठीक है, अब किसी और मतलब अलग से सेंटेंसेस लेके किसी और दिन में डिटेल में बना दूंगी, ठीक है, लेकिन बस आपको यही याद रखना है कि जो मॉडल वर्ब्स होती हैं दे डोंट हैव एनी ईडी विद दैट, दे डोंट हैव एनी थ्री फॉर्म्स, उसके साथ हमेशा जो एक्शन वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म लगती है, जैसे आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, आई एम नॉट एबल टू स्पीक फ्रेंच, कैन मीन्स संभावना, ऐसा है, तुम्हारी इतनी योग्यता है कि तुम कर सकते हो, कुड उसका पास्ट है, मे मैंने बता दिया है, मे का एक जगह और यूज होता है जिसमें हम विशेज देते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, भगवान आपकी आयु लंबी करे, मे यू गेट सक्सेस, आप सफल हो, मे यू शाइन लाइक अ स्टार, मे यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, जैसे हमारे जो बड़े होते हैं जैसे हम बच्चों कहते हैं ना गॉड ब्लेस यू, तो वहाँ पर मे का एक तो उसके लिए आता है पॉसिबिलिटी क्या आता है, एक जब हम किसी को विशेज दे रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट सक्सेस, वॉट एवर इट इज, ठीक है, और टू नीड ये सारे बता दिए हैं, और बाकी ये वाली जो है एक्सप्रेस में, ठीक है, और मुझे लगता है इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इतने की प्रैक्टिस करिए, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियो, यस यू आर लाइकिंग, आई नो दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट, एंड वॉट लाइक इट ऑल्सो, ओके, थैंक यू, बाय बाय।